अस्सलाम वालेकुम। CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी 2021। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्वेश्चन नंबर 8। ये देखें CSS 2021 जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसे जनरल नॉलेज 1 भी कहा जाता है। जनरल नॉलेज का फर्स्ट पेपर है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 ये देखें, ये सारा लिखा हुआ है, सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ए था क्वेश्चन नंबर 8 का, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल्ड स्पेलिंग। आपको ये वाले उन्होंने दिए हुए थे, वहां पर इनमें से आपने कोई ना कोई वर्ड्स बनाना है खुद से, तो आप परेशान ना हो। सबसे पहले आपकी इस चीज पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक हो गया। आपको इस पास पेपर या इसकी ऑनलाइन एग्जाम्पल्स मिल जाती है, इसकी सिंपल सी ये प्रैक्टिस होने चाहिए। हर बार ऐसा नहीं होता कि इसी तरह के क्वेश्चन है, वो किसी भी मतलब जस्ट आपके उन्होंने जनरल नॉलेज चेक करना होता है, ठीक हो गया। अगर आपकी एबिलिटी है देन आप इसको इजीली रिजोल्व कर। ये देखिए सीरियस इजीली बन रहा है इसका सीरियस। ये देखिए इन वर्ड से ये मैंने बना दिए, ठीक है। मुझे इतनी देर नहीं लगी, मुझे सबसे ज़्यादा देर लगी थी सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड पर। इस वर्ड पर कह लेंगे मुझे 5 से 7 मिनट कम अज़ कम लग गए थे, बाकी तकरीबन ईजी है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं हर तरीके से बनाने की कोशिश कर तो मगर बन नहीं रहा था। मगर आखिरकार इसका ये बना गैदर और इसका बनेगा लेटली, ठीक हो गया। और इसका क्या बनेगा मैरी और इसका क्या बनेगा हरी। ये आपके 5 नंबर का हो गया क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट बी है, उसमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग 2 इमेजेस। आपको एक बार ये वाली इमेज दी गई थी और एक ये वाली इमेज, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें एक ये इमेज दी गई है इधर और दूसरी ये वाली। इन दोनों में से आपने टोटल ट्राइंगल्स ढूंढनी है। ट्राइंगल बेसिकली कहते किसे हैं, जिसके 3 कोने उसे कहते हैं ट्राइंगल। ये देखिए 1 कोना 2 कोना और 3, इसके टोटल बन के 1 ट्राइंगल होगी, ठीक है ना। मैंने पहले एक स्टार ड्रा किया, उसमें से पहले देखे एक स्टार में ये सिंगल 1 2 3 4 5 ये हो गई। और इस तरह मैंने इसको सिलेक्ट टोटल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी इस तरह, ये देखिए सारे ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इस तरह एक हो गई, ये हो गई, जितनी बन सकती हैं आपने लाजमी कोशिश करनी है कहीं कोई रह ना जाए, ठीक हो गया। पेपर पर भी आप इसको इसी तरह ड्रा कर सकते, अदरवाइज आप जस्ट सिंपल आंसर लिख दें टोटल ट्राइंगल्स इक्वल्स टू 10 तो आपको इक्वल नंबर मिलेंगे, ठीक हो गया। ये तो मैंने एहतियाती तौर पर आपको समझाने के लिए बनाई हुई है, ठीक है। इसकी 10 हो गई और इसके बाद ये एक ये शेप थी, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। पहले की इसमें 1 2 3 4 5 6 ये हो गई और इसके अलावा ये इधर से हो गई, ये इधर से हो गई, ये एक हिस्सा इधर से ट्राइंगल बना लिया इसका एक इधर से, उसके अलावा ये ऊपर वाला पोर्शन इस दोनों तरफ से और ये नीचे वाला और इसके साथ ये ऊपर वाला, और ये खास ये अक्सर लोगों से रह जाती है ये वाली चीज़। और लास्ट में फुल ये टोटल 16 ट्राइंगल्स हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट सी है इसका, कैलकुलेट द टोटल एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। ये आपको इधर पेपर पर भी दिखा दूँ, कैलकुलेट द टोटल एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। इस तरह आपको एक शेप दी गई है, ठीक हो। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 15, ये आप देख सकते हैं ये 15 और ये 12। तो इधर आपने आपको उन्होंने ना तो इसका बताया कुछ ना इसका, आपने इधर आपने परेशान नहीं होना कि आपको बताया नहीं गया तो आप किस तरह इसको सोल्व। यहाँ पर आप अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करते हुए इसको देखेंगे, अगर ये 12 है तो ये इसको आपको देख रहे हैं एक स्केयर बना हुआ है, इसके चारों कोने तकरीबन देखने में बराबर हैं, ठीक हो गया। ये इसी तरह होते हैं, आप इसको भी समझ लें 12 हैं, ये भी 12 हो गए, अगर ये 12 होंगे तो ये भी 12 होंगे, समझ लग रही है आपको। ये देखिए 12 और 12 सेंटीमीटर इक्वल कह दिया। तो इसके अलावा अभी हमको इसके कोई किनारे का किसी का नहीं पता, तो इसको मालूम करने के लिए इसके हमें किसी भी साइड का एरिया मालूम हो जाए। ये देखिए इसका अगर हम मालूम कर लें तो इन सब का मालूम हो जाए, तो इसका मालूम करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, इन दोनों का मालूम होना चाहिए, वो हमारे पास है। तो इसको हम सिंपल फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको उर्दू में पता होगा, वितर का मुरब्बा इज इक्वल टू लेंथ स्केयर प्लस हाइट। हाइट और स्केयर को इधर कर देते हैं आपस में प्लस कर देते हैं उनका स्केयर, और इधर जो जो
जो बेस होती है इसको वितर को बेस कहते हैं, ठीक है, इसका स्केल आपने याद रखना है। अगर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये वाली जो तिरछी लाइन है इसका स्केयर किसके इक्वल होता है, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, लंबाई और चौड़ाई के स्केयर के इक्वल प्लस की। अच्छा, इसको मैंने सोल्व किया तो क्या हो गया, इधर मैं आपको शेप इसको थोड़ी सी बड़ी करके दिखा दूँ ताकि आपको फार्मूला इजीली समझ लग जाए। अच्छा, 15 का मुरब्बा क्या हो गया, मैं आपको कैलकुलेटर पर भी दिखा दूँ ताकि आप इजीली 15 का स्केयर क्या होता है, बेसिकली आप इधर से भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें 225। अदरवाइज अगर आपको नहीं मालूम, अगर मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड नहीं है तो इस तरह मालूम कर, 15 ज़रब 15 स्केयर का मतलब होता है उसी हिस्से को आपने आपस में उसी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इक्वल कर दिया मैंने इसको, कितना आ गया 225, ठीक हो गया। ये देखिए 15 ज़रब 15 225, और इधर एक्स स्केयर इसको सेम इसी तरह ले आएंगे क्योंकि ये हमने मालूम करना है, और इधर 12 का जो स्केयर हो गया 12 ज़रब 12 वो हो गया 144। तो एक्स स्केयर क्योंकि हमने मालूम करना है तो इसलिए इस अमाउंट को उधर ले जाएंगे, ये ठीक हो गया 144 उधर जाकर, इधर पॉजिटिव है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आपको रूल मालूम होगा, जो चीज़ इधर नेगेटिव हो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाती है, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाती है, अगर ये पॉजिटिव है तो उधर जाकर ये देखें नेगेटिव होगी, 225 माइनस 144 एक्स स्केयर को हम इधर लिख लें या उधर लिख लें इससे कोई डिफरेंस नहीं होता, वो तो मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दिया कि मे भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक्स स्केयर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 81, तो 81 को आपको पता है अगर एक्स स्केयर ख़त्म करना है तो इसका जजर लेंगे हम, ठीक हो गया, तो वो आ जाएगा 9। मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर 81 इसका ये क्या हो गया 9, ठीक हो गया, इसका आंसर 9। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो, आपको नई सिंपल मैथमेटिक्स भी नहीं आती तो इसको आप डिवाइड करके देखें कौन से हिस्से पर डिजिट पर ये डिवाइड होती है, ठीक हो गया। पहले ये 3 के पहाड़े पर कट, 3 2 बार 6 और इधर 2 3 7 बार 21 27, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, ठीक है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 आ गया, ठीक है, 3 स्केयर इज इक्वल टू 3 स्केयर, तो इस तरह ये 9 आ जाएगी। इस तरह ये हमने भी सिर्फ और सिर्फ एक्स की ये जो इसकी मालूम की है, इसकी हाइट सॉरी जो विथ है इसकी एक्स, तो अगर हमें अच्छा उसके बाद क्या था, ये हमने क्यों मालूम की, हमने इस सारे को मालूम करना क्योंकि हमने बेसिकली इसका एरिया टोटल इस फिगर का और इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो एरिया बेसिकली होता क्या है, एरिया इस तमाम इंटरनल जो एरिया इसको कहते हैं एरिया, तमाम जो सरफेस होती है इसको एरिया कहते हैं। तो मैंने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया और सी कह दिया आपकी सहूलत के लिए। तो हम ए का फॉर एग्जाम्पल कैसे लेंगे एरिया, ए का एरिया मालूम करने से पहले मैं आपको बता दूँ पहले बी का एरिया कैसे मालूम करते हैं। ये जो लेंथ होती है और जो विथ होती है, ठीक हो गया, अगर सेम चीज़ें हों तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ना भी सेम हो तो फिर भी मल्टीप्लाई करें, 12 ज़रब 12 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एरिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एरिया आ जाएगा 144 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, 12 ज़रब 12। तो सी का कैसे मालूम करेंगे, 9 ज़रब 9, ये देखिए मैंने लिखा एरिया ऑफ सी 9 ज़रब 9 81 सेंटीमीटर। तो इसका हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक हो गया, इसको आपने फार्मूले भी नहीं आते तो आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये देखें 12 ज़रब 9 इस तमाम एरिया, अगर 12 ज़रब 9 यानी कि 9 इधर भी हो और 12 इधर भी हो, हालांकि ये तो सेंटर में कट हो गया आधा एरिया, तो पहले आप इसको करें ना 12 ज़रब 9 इस टोटल एरिया का क्या हो गया 12 ज़रब 9। तो ये क्योंकि हाफ ये हाफ एरिया इसलिए इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पर, ठीक हो गया। कोई भी ट्राई एंगल है तो बेसिकली इसका एक फार्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट, ठीक हो गया, डिवाइड बाय 2। अगर कोई ट्राई एंगल है तो इसका एरिया का फार्मूला बेसिकली यही होता है कि 12 ज़रब 9 तकसीम 2। वैसे ही आप देख सकते हैं टोटल 12 ज़रब 9 भी कर लें तो फिर भी ये आधा है क्योंकि इसको 2 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 54। तो टोटल का एरिया क्या हो गया, 54 + 144 + 81 = 279 सेंटीमीटर, ये टोटल का एरिया हो गया। तो हमें क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, कैलकुलेट द टोटल एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, गिवन शेप का हमने टोटल एरिया तो मालूम कर लिया है।
अब हमने इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर बेसिकली कहते क्या, जो आउटर साइड पर एक जो टोटल ये लाइन होती है इसका एरिया, इसको कहते हैं पेरीमीटर। ठीक हो गया, ये वाली जो इसकी होती है आउटर साइड टोटल को कहते हैं पेरीमीटर। जो अगर एरिया कहें तो वो इंटरनल होता है सारा, इंटरनल सरफेस। जो पेरीमीटर ये आउटर सरफेस जो होती है, 12 सेंटीमीटर जमा 12 सेंटीमीटर जमा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एरिया 12 12 12, ये 36 हो गए। उसके अलावा 9 9 9 आपस में इन तीनों को भी जमा कर देना, 9 9 9, ये 27 हो गए। उसके अलावा इस चीज़ को भी जमा कर देना 15, ये हो गया 36 जमा 27 जमा 15, ये हो गया 78 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आंसर है। तो इसके अलावा ये लास्ट में एक और क्वेश्चन है, ये देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सरफेस। ठीक हो गया, ये देखें, ये बताए गए हैं इसमें, इसको ढूंढना है, इसमें इसको ढूंढना है, इसमें इसको, एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने लिखे हुए, मैं आपको इधर फायदा दिखा। ये था इसका पार्ट ए था, बी पार्ट का 418, ये हमने मालूम करना था बेसिकली। तो ये मैंने मालूम कर लिया, ये 48 आता, तो मैं आपको आपको बताता हूँ ये कैसी आया, इसके 100 ये। तो मालूम करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है इनका आपस में डिफरेंस क्या है, या किस तरीके से इससे अगला डिजिट्स आ रहा है, अगर नहीं या इससे अगला डिजिट्स कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने इसको मालूम करना है। पहले ये मालूम करें 4 के बाद 18 कैसे आएगा, या यही मालूम कर लें कि 100 के बाद 180 कैसे आएगा। ठीक है, ये आपको मालूम करने, पहले आप देखें कि 2 का स्केयर क्या होता है, 2 स्केयर वो होता है 4, और 3 का स्केयर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यार, इधर तो 2 आ गया, इधर 9 आ गया, तो 9 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आता है, इसका मतलब इधर तो 1 है, इसका मतलब, या फिर इधर सीरीज ये वाली चीज़ सेम चलती रहे, ये वाली, ठीक हो गया, ये सेम चलती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई किसे के, इसको 1 से के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 के, इसको 3 से, चलो ऐसा करते हैं, इधर हमने 2 का स्केयर लिया वो 4 आ गया, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई वो 4 आ गया, इधर 3 का स्केयर लिया वो क्या हो गया, 9 हो गया, 3 का स्केयर 9 होता है, 3 ज़रा 3 9, उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो किया आ गया 18। उसके बाद इधर 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर क्या होगा, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 48। और इसके बाद इधर 5 आएगा, 5 का स्केयर देखें वो क्या होता है, 25, 5 ज़रा 5 25, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया वो आ गया 100। इधर 6 का स्केयर आ गया 36 इंटू 5 180। इधर 7 का स्केयर, उसको मल्टीप्लाई किया 6 से, तो यही आंसर आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मालूम करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है, अगर इसी फार्मूले के ऊपर ये तमाम की तमाम चीज़ें प्रूव हो रही हैं, तो इस चीज़ से ये तमाम की तमाम प्रूव हो रही हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 7, इधर ये सीरीज चल रही है और इधर 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज, तो इससे ये तमाम चीज़ें प्रूव, तो इसका आंसर लाजमी बात यही है। ठीक है, 48। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ये दूसरा पार्ट, 15 31 63 127, और इधर इसको मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए हमने ये पूरी सीरीज को पहले प्रूव करना है किस तरीके से ये प्रूव हो सकता है, इसको भी आप छोड़ दें। ठीक है, इसको देखें, 15 के बाद 31 कैसे आ सकता है, 15 को 2 के साथ ज़रब दें और साथ में 1 जमा कर दें, 15 ज़रब 2 30 जमा 1 31, और अब इसको मालूम करने के लिए हम ऐसे करते हैं, 31 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ गया 62 + 1 = 63, और इसको मालूम करने के लिए 63 × 2 + 1, आपको पता है 63 × 2 होता है 126 + 1 = 120, तो इसका भी ये तरीका हो गया, 127 × 2 + 1, ये इसका आंसर हो गया 255। ठीक हो गया, ये तमाम, तो इसका लाजमी बात यही होगा 7 ज़रब 2 जमा 1 15। उसके बाद ये तीसरा हो गया 1 8 27 64 125, और इसका ये क्या होगा, अभी मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूँ। ये देखें, ये 2 का क्यूब होता है, क्यूब किसे कहते हैं, 2 को आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, वो आ गया 8, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 4 4 बार 16 16 4 बार 64, 5 5 बार 25 25 5 बार 125,
छत्तीस छह बार 216, ठीक हो गया। यानी कि इन सब का क्यूब है ये, ठीक हो गया। ये दो एक का क्यूब, ये दो का, ये तीन का, ये चार का, ये पांच का, ये। अच्छा आप कहेंगे एक का क्यूब एक कैसे, एक जरब एक क्या होगा, एक जरब एक एक ही होता है। तो इसके बाद ये फोर्थ आ गया इसका 134, उसके बाद 156, और इसको हमने मालूम करना है। तो इसके बाद ये 210, 240। तो कैसे प्रूव करना है, आप इनका डिफरेंस देखें, क्योंकि ये तो किसी भी स्केयर के ऊपर तो आएंगे नहीं, ये काफ़ी बड़े हिंसे हैं और इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कितना है क्या, 24 का इन दोनों में। 132 में 24 जमा करें तो क्या आता है, 156। 156 में अच्छा ये तो इधर हम छोड़ दें, अब इस चीज़ को छोड़ देना है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें, 210 और 40 में डिफरेंस क्या है, 240 में कितने ऐड करें तो 40 आता है, इनमें 30 ऐड करें तो। अब आपको दो चीज़ें तो मालूम होगी, इधर 24 जमा किए, उधर 30 जमा किए, यानी कि इधर भी इस 24 या 30 में से कोई जमा होने है, ठीक हो गया। अगर अब हम इसमें 26 जमा कर दें तो क्या आएगा, 182 आएगा। 182 में अगर आप 28 जमा करें तो आ जाएगा 210, ठीक हो गया। इधर हम इधर लिख देते हैं 182, 182, ठीक हो गया। ये हमने बेसिकली मालूम करना है, अंदाजा लगाना होता है आपने। इसमें 24 जमा किए ये हो गए, इसमें 26 जमा किए ये हो गए, इसमें 28 जमा किए ये हो गए, इसमें 30, यानी कि आप इसी से में दो जमा, नेक्स्ट आपने ये मजीद दो दो जमा करते जाना है, ठीक है। 132 में पहले 24 जमा करने हैं तो 156 आ जाएगा, 156 में 26 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 28 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 30 जमा करेंगे तो, इसका आंसर क्या हो गया, 182। उसके अलावा लास्ट ये हमारे पास रह गया 8, 24, 12, 36, 18, 54, और लास्ट में हमने इसको मालूम करना है, ठीक हो गया। इसको मालूम करना है, इसको भी डिवाइड डिलीट कर देते हैं इधर से। अच्छा कैसे मालूम करना, अब आप देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तब 24 आता है, या कोई और तरीका भी है, 8 का स्केयर लें तो वो आ जाएगा 64, या कोई और तरीका है आपके पास तो वो बताएं। अच्छा इसके बाद एक नई मसला ये बन गया, इसके बाद ये 24 के बाद ऐसा हुआ, इससे बड़ी नहीं रकम बल्कि कम हो गई है। तो चलें पहले इसको देखते हैं, 8 को 3 के साथ, इस हिंसे को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इस हिस्से को हम क्या करें कि ये वाली अमाउंट आ जाए, इसको हम दो पर डिवाइड करके देखें तो क्या 12 आ गया, 24/2, इसको 2 पर डिवाइड किया तो आ गया 12, ठीक हो गया। अब हमने फिर इसी तरीके को दोहराते हैं, यानी इसको फिर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह इसको किया था, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 36, 12 3 बार 36, और इसको फिर इसी तरीके के साथ इसको 2 पर डिवाइड कर दिया हमने। ये बड़े बड़े हिंसे को आपने 2 पर डिवाइड कर देना है, छोटे को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। इसके बाद छोटा हिंसा आएगा, इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये देखिए 36/2, तो क्या आंसर आ गया 28, समझ रहे हैं आप। इसको हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये तरीका, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3 2, यानी कि पिछले हिस्से को आप इसी तरह करते जाएंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे नेक्स्ट इसी तरह। तो अब इसको क्या, इधर मल्टीप्लाई तो हो गया, अब इसको डिवाइड करना है 54/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 27। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, अगर आपको मज़ीद कोई परेशानी हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।